Here we are with Dr. Rakesh Joshi. Myself, Garima Mishra, I'm the nutritionist and lifestyle consultant. Today, Amaze Foundation has organized this webinar for all of you. Dr. Rakesh Joshi is a senior consultant. He's a specialist in ophthalmology. And we all welcome you, sir. Thank you so much for coming. Good evening, everybody. Yeah. So, please ask your questions. Sir is here. We are live for answering your question. So, जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं हम थोड़ा discussion कर लेते हैं आजकल का जो ये issue चल रहा है pandemic चल रहा है. Yes. पे क्या general आप suggestion देंगे लोगों को join ये करने के लिए precautions लेने के लिए eyes का जैसे screen time बहुत बढ़ गया है बच्चों का. Yes. लेकिन सबका ही बढ़ गया घर में online काम हो रहे हैं classes online चल रही है तो आप क्या suggest करते हैं क्या करना चाहिए हमें. Yes. आजकल हम सभी का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है. हम सभी लोग काफी टाइम मोबाइल पे लैपटॉप कंप्यूटर टैब इन सब चीजों पे बिताते हैं. इसकी वजह से हमारी आंखों की जो टियर सिक्रीशन है वो अफेक्ट हो जाती है तो हमारी आईज में ड्राई आई होना शुरू हो जाते हैं और इस सब को हम लोग आजकल नई बीमारी के नाम के हिसाब से कंप्यूटर आई सिंड्रोम करके जानते हैं जिसमें हमें आमतौर पे होती तो ये ड्राई आई है लेकिन हमारी आंखों में वाटरिंग होना एक सिम्टम हो जाता है आंसू की जगह पे. जब ड्राई आई में भी वाटरिंग सिम्टम्स, दिस इज वेरी न्यू टू मी. आपको ड्राई आई है तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो पानी आता है जी. सो ड्राई आई में वाटरिंग इट्स नॉट टीयर्स इट्स जस्ट वाटर विच कम्स आउट एंड देन देयर इज इचिंग एंड यू नो डिस्कम्फर्ट रेडनेस सो ये सिम्टम्स होते हैं. तो इसके लिए यही करना होता है कि जब भी हमें जितना अपने काम के लिए स्क्रीन्स का यूज करना है वो तो करें और मनोरंजन के लिए कितना स्क्रीन का इस्तेमाल करना है उसकी थोड़ी राशनिंग करें. थोड़ा थोड़ा ब्रेक करें. आमतौर पे बच्चे एक बार गेम खेलना शुरू होते हैं जी. तो इंटरेस्ट आता है तो फिर वो उसे लंबे समय तक एक टक देखते रहते हैं स्क्रीन को. अभी वही इशू है कि क्लासेस भी ऑनलाइन है एक्टिविटीज भी ऑनलाइन चल रही हैं उसके बाद जो स्पेयर टाइम बचा वो ऑनलाइन गेम्स में ही जा रहा है बच्चों का. क्या है कि समय ही कोरोना का चल रहा है और तो ऑनलाइन जरूर इस्तेमाल करें. लाइक हम भी अभी यूज कर रहे हैं पर आज मुझे पता था कि मैंने ऑनलाइन आधा पौना घंटा रहना है तो मैंने अपना बाकी स्क्रीन टाइम की राशनिंग की आज. सो सभी लोगों को जहां जहां जरूरी है वहां इस्तेमाल करें और जहां पॉसिबल हो टाइम कट करें या बीच में गैप दें रेस्ट दें बीच में आई को. सो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर आईज टू मेंटेन दिस. हां एक्सरसाइजेस ऐसे तो हम लोग मशीन पे कराते हैं लोगों को कि आई मसल्स वीक हो जाते हैं तो उसके लिए मशीन पे एक्सरसाइज होती है. एक्चुअली तो ड्राई आई के लिए टियर सब्स्टिट्यूट आई ड्रॉप्स होती हैं जो आपके डॉक्टर आर्टिफिशियल टीयर्स रिफ्रेश टीयर्स ये बिल्कुल सेफ आई ड्रॉप्स हैं. उसे दिन में 3 से 4 बार डाल लेने से हमारी ड्राइनेस जो है जो स्क्रीन्स की वजह से होती है वो काफी ठीक हो जाती है. तो रिफ्रेश टीयर्स जैसी दवाइयां यूज कर सकते हैं. एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन जो शायद कहीं दब के रह गया है आजकल के सिनेरियो में क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा हो रहा है तो एवरीवन इज वेरी कंसर्न अबाउट अगर जरा सा भी फीवर हुआ या कोल्ड फील हो रहा है गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है बट इज इट लाइक कि कोरोना आईज को भी इफेक्ट कर रहा है. हाँ जितने भी लोगों को कोरोना होता है उनमें करीब 1 से 3% लोगों को सिर्फ आई इफेक्ट होती है. और यदि वायरस किसी तरह हमारी आंख में गंदे हाथों से टच हो जाए हम अपनी आंख को मल लें तो उससे फिर हमारी आंखों में वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाती है जिसमें आंख में इरिटेशन रेडनेस वॉटरिंग ये सब प्रॉब्लम होती है. कंजक्टिवाइटिस अपने आप में कोई खतरनाक नहीं होती. कोरोना अपने आप में खतरनाक हो सकता है बीमारी लेकिन कोरोना की कंजक्टिवाइटिस ज्यादा खतरनाक नहीं होती. गुड टू नो दिस. आमतौर पे 5-7 दिन में ठीक मेडिकेशन करने से ठीक हो जाती है तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं होती. सो व्यूवर्स दिस इज वेरी न्यू थिंग फॉर अस कि कोरोना से हमें आई प्रॉब्लम्स भी होती हैं बट द गुड थिंग इज कि हमें डरने की बात नहीं है. सो प्लीज पुट योर क्वेश्चंस सो दैट वी कैन आंसर. सर मुस्कान जी हैं जो पूछ रही हैं कि मुझे 2 बार ऑप्टिक न्यूराइटिस हुआ है आगे क्या कर सकती हूँ. जी
हमारी आंखें जो देखती हैं वो कनेक्ट होती हैं ऑप्टिक नर्व से। तो फोकसिंग तो हमारी आईबॉल से होती है और फिर ये फोकसिंग ब्रेन तक ये मैसेज ऑप्टिक नर्व ले जाती है। जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि असली काम तो ऑप्टिक नर्व करती है देखने का। और यदि ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें सूजन आ जाए, जो बहुत कारणों से आ सकती है, इन्फेक्शन से आ सकती है, या अगर हमारे ब्रेन के अंदर वाले हिस्से में प्रेशर बढ़ जाए और वो ऑप्टिक नर्व को दबा दे, उससे हो जाता है, सो इसमें फिर ऑप्टिक नर्व अफेक्ट हो जाती है। इसमें सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि कारण क्या है ऑप्टिक न्यूराइटिस का। तो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन या उस पर्टिकुलर रीजन को ठीक करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ये है, जब भी हो जाए उसे तुरंत अटेंड करना होता है, क्योंकि अगर ऑप्टिक नर्व ज्यादा दिन तक सूजन में रही तो वो परमानेंट डैमेज हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण में कुछ लोगों को तो सिर में भारीपन रहना, थोड़ा धुंधला दिखाई देना, जो धुंधलापन टाइम के साथ हर रोज बढ़ता जाता है, आंखों में दर्द होना, तेज दर्द होना, और बाकी सिम्टम जो उनकी ओरिजिनल बीमारी होगी जिसकी वजह से ऑप्टिक न्यूराइटिस हुई है, उसमें बुखार होना भी शामिल हो सकता है, सो वो रहता है। और इसका बेसिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ऑप्टिक न्यूराइटिस का रीजन क्या है। ऑप्टिक न्यूराइटिस होने में तो जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होता है उनको भी हो सकती है। तो बेसिक कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो ऑप्टिक न्यूराइटिस कर रही है। अच्छा। या हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है ब्रेन में जी। सूजन आने से कुछ, जैसे ब्रेन की इन्फेक्शन हो गई अगर। ओके, सो मतलब ये अब किसी और बीमारी के साथ आती है यूजुअली, वो इसका एक पार्ट बन जाती है। एक पार्ट बन जाती है। ओके, सो अर्चना जी का क्वेश्चन है कि सर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, बच्चों को 5-5 घंटे बैठे रहना पड़ता है, आंखें लाल हो जाती हैं, सर में दर्द हो रहा है। तो अर्चना जी, इसके लिए अभी सर ने बताया आपको कि जो स्क्रीन टाइम है उसको आपको जितना जरूरी है उतना ही करें। आर्टिफिशियल टीयर्स अवेलेबल हैं, वो आप, सर ने कुछ नाम भी बताए हैं, आप ले सकते हैं उनको। अदरवाइज हम बाद में आपको मैसेज में भी वो चीजें बता सकते हैं। आशुतोष जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, जब मैं रोता हूँ मुझे आंसू नहीं आते बल्कि आंख लाल हो जाती है, जलन होने लगती है, इसका कारण क्या है और इसको कैसे सही किया जा सकता है? अच्छा, एक तो मैं एक दो टीयर सब्स्टिट्यूट और ले दूं। हमें वैसे किसी ब्रांड नेम की बात नहीं है, इसीलिए हम 4-5 ब्रांड नेम ले देंगे कि हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं। तो रिफ्रेश टीयर है, इको टीयर, इको राइट, प्लीज राइट द नेम। इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, तो आसान नाम है ऑन टीयर्स। ओके, कहीं केमिस्ट की दुकान पे नाम भूल जाए तो टीयर वर्ड बोल देंगे, वो आपको 2-3 दवाइयां दिखा देंगे। टीयर सब्स्टिट्यूट ज्यादातर में टीयर वर्ड यूज होता है, इको टीयर, ऑन टीयर, रिफ्रेश टीयर। तो आपका टीयर्स बोलना काफी है व्यूअर्स, आपको मेडिकल शॉप पे आराम से मिल जाएंगे आर्टिफिशियल टीयर्स। आर्टिफिशियल टीयर्स जी, ये भी मिल जाएगी जी। जी, आपका जो दूसरा सवाल था जी, इनको आंसू नहीं आते हैं। हाँ, रोते तो इनको आंसू नहीं आते हैं, आशुतोष जी को आंखें लाल हो जाती है और जलन होने लगती है जी। रोने पे हमें जो आंसू आते हैं उसका हमारे इमोशनल कनेक्ट से ताल्लुक होता है। बहुत सारे लोगों में वो नस जो हमें इमोशनली डिस्टर्ब होने पे आंसू बनाती है, वो नस ठीक से काम नहीं कर रही होती। तो ये तो उन इंसानों में ये पाया जाता है। इन लोगों को और भी ज्यादा जरूरी है कि वो इन जनरल अपनी आंखों में आर्टिफिशियल टीयर्स या टीयर सब्स्टिट्यूट्स जरूर यूज करें। अच्छा, मतलब तो एक रूटीन में उनको टीयर्स यूज करने चाहिए, आर्टिफिशियल करने चाहिए, क्योंकि इन लोगों में ड्राई आई होने के और भी चांस होते हैं। हमारी आंखों को जो वेट रखते हैं इसके लिए कुछ स्टिमुलस चाहिए होते हैं, हवा चलेगी, ठंडा लगेगा या गर्म होगा, उन्हीं में एक स्टिमुलस हमारा इमोशनल वो भी होता है। और क्योंकि इनको रोने पे भी आंसू नहीं आते हैं, बाकी सारे इंटरनल, हम जब भी किसी भी इमोशन में होते हैं तो हमारी आंख आंसू छोड़ती है। ऐसे लोगों को तो जरूर आंसू वाली दवाई रेगुलर यूज करनी चाहिए। तो और अगर रोने का मन हो तो उस टाइम भी यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स का सहारा। अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हैं, ताकि लोग ये ना सोचे कि आप रो नहीं रहे, आंसू नहीं आ रहे आपको, आंसू नहीं आ रहे हैं। तो सर, वैसे अगर अभी आजकल के टर्म्स में बात करूं तो ये एक आर्टिफिशियल टीयर्स ही सबके लिए सेफ है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? बच्चों के लिए भी सेफ है। हाँ, सिर्फ इसकी परसेंटेज थोड़ा सा नोट कर लें, जो इसमें CMC बेसिक सॉल्ट होता है, बच्चों के लिए हो तो 0.5%। ओके,
अगर आप बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं तो सीएमसी 0.5% होना चाहिए और बड़ों के लिए 1%। जी, तो बड़ों के लिए जस्ट डबल है 1% का। सर इसको कितना मतलब दिन में कितनी बारी यूज कर सकते थ्री टू फोर टाइम्स हमारी एक रूटीन लाइफ में जितना हम लोग आमतौर पे मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं तो 3 to 4 times। और अगर बहुत ज्यादा यूज करना पड़ रहा है किसी वजह से, कंप्यूटर पे सारा दिन बैठ के काम करना ही है आपको 6-8 घंटे, तो आप इसे 4 to 6 times भी डाल सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट। ओके, तो सर रितु जी का क्वेश्चन है कि आईज में जो एलर्जी हो जाती है नॉर्मली और छींके आने लगती हैं, उनका क्या प्रिवेंटिव या कुछ आप बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनके लिए? ये एलर्जी कुछ कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को सिर्फ नाक की एलर्जी होती है, छींके आती हैं, कुछ को सिर्फ आंख की एलर्जी होती है, और कुछ लोगों को दोनों एक साथ होती हैं। तो नाक की एलर्जी साथ में हो तो उसके लिए नेजल ड्रॉप ईएमटी वाले बताते हैं, या फिर टैबलेट्स आती हैं जो उसको ठीक करती हैं। आई के लिए हम आई ड्रॉप्स देते हैं। अच्छा। और आई ड्रॉप्स 3 तरह की इसमें दी जाती हैं। मैं बेसिक बेसिक बता देता हूं, और स्पेसिफिक एलर्जी होने पे, क्योंकि पहले तो डायग्नोज करना पड़ेगा कि ये एलर्जी ही है जिसे आप एलर्जी सोच रहे हो, कुछ और ना हो। हाँ, तो उसमें सबसे कम चीज जो आराम से आप कर सकते हैं डॉक्टर पे जाने से पहले, वो तो है एक टीयर सब्स्टिट्यूट तो डाल ही लीजिए। ओके, फिर सो दैट इज लाइक हम उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो क्योंकि वो सेफ है, वो इस तरह से बताया जा सकता है पब्लिकली जी। और इसके अलावा फिर डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स होती हैं, फिर हम कुछ ओलोपेटाडीन ड्रॉप्स हैं, और फिर लो स्टेरॉइड्स हैं, हल्के स्टेरॉइड्स हैं जो दिए जाते हैं। और वो सिर्फ डॉक्टर जांच के ही दे सकते हैं, क्योंकि वो स्टेरॉइड दवाइयां होती हैं, उनके बारे में काफी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कि वो किस तरह से यूज करें। लेकिन टीयर सब्स्टिट्यूट अगर डालेंगे तो जिन लोगों को एलर्जी होती है उनका इंसिडेंस कम हो जाएगा, उनकी आई को टीयर सब्स्टिट्यूट की एक कोटिंग मिल जाएगी और इंसिडेंस कम हो जाएगा कि आपको कम बार एलर्जी होगी, छोटी मोटी चीज से एलर्जी नहीं होगी। सो एक और चीज जो मैं सबको बोलना चाहूंगी, जो भी अभी हमारे साथ लाइव है, प्लीज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम बताकर कोई भी मेडिसिन नहीं लें, क्योंकि वो स्टेरॉइड भी हो सकता है और वो आपको फायदा करने से ज्यादा नुकसान करेगा। कभी भी खुद डायग्नोज ना करें, या ये ना सोचे कि हमारे किसी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को इस मेडिसिन से फायदा हुआ और उन्होंने ये यूज किया था तो हम भी यूज, तो मैं भी यूज करके देख ले, क्योंकि अगर डायग्नोसिस गलत हुआ, अगर वो इन्फेक्शन हुई और आपने सोचा एलर्जी है और किसी की एलर्जी वाली दवाई डाल ली तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। सेल्फ मेडिकेशन नहीं, हाँ सेल्फ मेडिकेशन में सिर्फ टीयर सब्स्टिट्यूट्स हैं जिन्हें हम सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई साइड इफेक्ट। प्लीज नोट डाउन, आपको टीयर सब्स्टिट्यूट यूज करना है बट कुछ और नहीं यूज करना है। अगर कुछ और प्रॉब्लम होती है प्लीज आप कंसल्ट करिए, फिर ही मेडिसिन लीजिए। सो एक क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड नहाते हैं तो उसके बाद उनकी आंखें बहुत लाल हो जाती हैं। जी जी, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? महिमा सोनी जी ने भी पूछा है कि व्हेन आई सी एनी ऑब्जेक्ट इवन इन नॉट ब्राइट सनलाइट आई गेट पेन इन आईज एंड हेडेक। तो जिनका तो नहाने के बाद आईज रेड हो जाती हैं, पानी को साफ रखने के लिए जो कुछ भी केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं उनसे कुछ लोगों को एक तरह की एलर्जी होती है। okay. और ये एलर्जी आमतौर पे माइल्ड एलर्जी कैटेगरी में आती है। okay. तो जो उसमें पानी के को क्लीन करने के लिए क्लोरिनेटेड वाटर वगैरह, हाँ कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उस समय फिर इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब इसमें यदि तो आरओ का पानी यूज किया जा सके नहाने के लिए, या फेस वॉश करने के लिए, या पानी को फेस सिर्फ आरओ वाटर से किया जाए तो उससे कुछ चांसेस हैं कि शायद ना भी हो, बहुत सारे लोगों को एलर्जी नहीं होती। और नहीं तो उनको नहाने से पहले एक टीयर सब्स्टिट्यूट और एक और दूसरी मेडिसिन है जिसके मैं दो नाम बता दूंगा जी, उनमें से कोई यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो दवाइयां ओटीसी हैं, ओवर द काउंटर यूज की जा सकती है। तो हमारे व्यूअर नोट कर सकते हैं, एक तो मीजोल नाम से आती है, मीजोल व्यूअर्स प्लीज नोट इट डाउन, मीजोल नाम से एक मेडिसिन आती है, MEZOL, और या दूसरा नाम है आई, आई कैपिटल KUL, कुल कूल करके बोल, आई कूल राइट। ये दोनों सेफ दवाई है, इन्हें अगर वो नहाने से पहले अगर डाल लेंगे इनमें से किसी एक को प्लस टीयर सब्स्टिट्यूट, तो फिर नहाने के बाद अगर आंख में पानी जाएगा भी तो भी रेडनेस और इचिंग नहीं होगी। ओके सर, एक क्वेश्चन है कि जो कैटरैक्ट होता है, इज इट लाइक ये हेरिडिटरी होता है?
नहीं, कैटरेक्ट जो है जिसे हम सफेद मोतिया आमतौर पे कहते हैं या मोतिया बिंद भी कहते हैं, ये हेरिडिटरी नहीं होता है, ये एज से होने वाली समस्या है। अच्छा जैसे जो लोग भी 40 या 50 साल से बड़े हैं, जैसे उम्र के साथ हम लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, उसी तरह हमारे आंख का लेंस जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है वो ओपेक होना शुरू हो जाता है एज के साथ। जी और जैसे अलग अलग लोगों में बाल भी अलग अलग एज पे जाके वाइट होते हैं, हाँ किसी में 30-40 पे हो जाते हैं, कहीं में 50 तक रहते हैं, इसी तरह कैटरेक्ट भी अलग अलग लोगों में अलग अलग एज ग्रुप में आता है, किसी को 50 में आ जाएगा, किसी को 60 में, तो ओके इस तरह से। तो फिर हमें फिर दिखने में परेशानी, एक क्रिस्टल लेंस था जिसके थ्रू हम देख रहे थे आई में, हाँ और वो ओपेक हो गया तो सफेद हो गया, तो फिर वो उसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। ओके सर एक क्वेश्चन है, मुस्कान जी कह रही है मुझे ऑप्टिक न्यूराइटिस के समय बिल्कुल रोशनी चली गई थी और काफी स्टेरॉइड्स दिए जाते थे, तो उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्या स्टेरॉइड्स ही जरूरी हैं? ज्यादातर ऑप्टिक न्यूराइटिस में प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेरॉइड से ही होता है, और कभी कभी काफी हाई डोज में और काफी लंबे समय तक स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, और क्योंकि वो साइट सेव करने के लिए जरूरी होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन में दिए जाते हैं, और उस दौरान स्टेरॉइड से हो सकने वाले साइड इफेक्ट, सभी को सब साइड इफेक्ट नहीं होते, पर हर मरीज जिसको स्टेरॉइड दिए जाते हैं उनको उनके लिए मॉनिटर किया जाता है, कहीं उनकी ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा, कहीं उनका ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ रहा, तो जब स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो ये रेगुलर चेकअप्स कराते रहना होता है, और शरीर में कहीं और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन स्टेरॉइड इज द मेन स्टे ऑफ ऑप्टिक मतलब न्यूराइटिस, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते अवॉइड स्टेरॉइड नहीं कर लेना सकते पे। हैं, क्योंकि वही चीज है जो ऑप्टिक नर्व की सूजन को हटाती है। सर एक क्वेश्चन है कि मुझे ऊनी कपड़ों से एलर्जी हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं काफी, उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है, जी और इसको भी प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर टीयर सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे तो एलर्जी का इंटेंसिटी कम हुआ करेगी और कम बार होगी। और दूसरा जो हम बता सकते हैं, हमने आपको बताया मीजॉल या आईकुल, आई जी ड्रॉप, सर इनमें से कोई एक ड्रॉप अगर डाल लेंगे तो उससे कम हो जाएगी। यदि इन दोनों से भी ठीक नहीं होती तो फिर लो स्टेरॉइड ड्रॉप्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे देख के, सीवियरिटी के, पर ये दो दवाइयां स्टेरॉइड दिस टीयर सब्स्टिट्यूट एंड आईकुल जो डीकंजेस्टेंट हम बोलते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं सेफ। ठीक है। तो सर बेसिकली रेटिना से जुड़ा भी कई सारे इश्यूज होते हैं, वन ऑफ माय नोन टू माय लाइक माय आंट इज हैविंग प्रॉब्लम, सडनली उनको दिखना बंद हो गया, उनको ऐसे लगा कि आंखों के आगे काले धब्बे से पड़ गए, देन शी वेंट टू डॉक्टर एंड उन्होंने बोला कि आपके रेटिना में छेद हो गया है एंड शी वेंट फॉर सर्जरी, तो वो क्या है मतलब उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं इनिशियल सिम्टम्स जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या हमें पता होता कि नहीं दिस इज द टाइम टू गो टू डॉक्टर? आंखों में धब्बे आना या जिसे हम फ्लोटर्स बोलते हैं, ये कई सारी बीमारियों में आ सकते हैं, जिसमें रेटिना वाली बीमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे तो अगर हमारे कॉर्निया पे कोई स्पॉट आ जाए तो हमें धब्बा दिख सकता है, फिर हमारे लेंस में जब कैटरेक्ट बनने लगता है तो कई लोगों को धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जब कैटरेक्ट और बढ़ेगा और ऑपरेशन होगा तो ठीक हो जाएगा, उसमें हमारे पास टाइम है। फिर तीसरे नंबर पे विट्रियस होता है, हमारे जेल होता है हमारी आई में, उसके फाइबर्स ड्राई हो जाते हैं तो भी फ्लोटर्स दिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। फिर विट्रियस डिटैच हो जाता है रेटना से तो भी वो आसान प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ खास नहीं करना होता। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स रेटिना में छेद, होल्स या टीयर्स होने की वजह से आ रहे हैं तो हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हमें तो पता नहीं चलेगा, हमें तो सिर्फ फ्लोटर्स आएंगे। तो हर बार किसी को भी अगर फ्लोटर्स आते हैं तो उनको जाके डॉक्टर को चेकअप कराना जरूरी है। जरूरी है। डॉक्टर पता करेंगे कि ये नॉन सीरियस प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, वो कहेंगे जस्ट वेट, इट विल गो बाय इटसेल्फ, और अगर ये रीजन रेटिना क्या की है प्रॉब्लम की वजह से बेसिकली है तो उनको जी? इमीडिएटली ट्रीटमेंट, शुरू शुरू में डायग्नोज हो जाए तो सिंपल लेजर ट्रीटमेंट से बिना सर्जरी के हो जाते हैं, लेकिन ये ओके एक तरह से जैसे कोई कपड़ा उधड़ता है उस जैसी प्रॉब्लम, हाँ यदि इसमें देर होती जाएगी
तो वो फिर उधड़ता ही जाएगा। उसमें लागू होती है वो कहावत, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो अगर ठीक टाइम पे हो गया तो छोटा सा ट्रीटमेंट होके हो जाएगा, और अगर पर्दा पूरा ही फट गया तो फिर बड़ी सर्जरी हो। तो इम्पोर्टेंट जो बात बताने वाली है सब लोगों को, कि अगर आपको आंख में फ्लोटर्स आते हैं तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है अपनी आंख को मल के देखना चाहते हैं कि ऐसे ठीक हो जाएगा या क्यों आ रहा है। ये नहीं करना होगा। अगर आप वो ही फ्लोटर्स जनरल आने प्रैक्टिस के होती सामने है, कुछ भी लगा आंख में हम मल लेते आएगा, हैं। और या अगर फ्लोटर्स भी हाँ आते हैं तो हम कहते हैं इसको मल के हटा लें, मलने से शायद कुछ आगे आ रहा होगा। जी ये करने से हम अपने आंखों के रेटिनल टीयर्स को बढ़ा देते हैं, ओके, तो उस दौरान आंख को व्यूअर्स बिल्कुल नहीं प्लीज कीप अ नोट ऑन दैट, फोकस। हमें हाँ, आंखें मसलनी नहीं अगर है, आपकी आंखों में फ्लोटर्स आ रहे हैं तो आपने आंखें मल के उसे दूर करने की कोशिश नहीं करनी। नहीं करनी है। अगर आपकी आंखों में फ्लोटर्स आ रहे हैं, आपको कुछ और धब्बे दिख रहे हैं, धब्बे दिख रहे हैं तो तो बस डॉक्टर से जी करिए, वो बता देंगे कि वो जो 6-7 कारण होते हैं उनमें से अगर रेटिना वाला कारण है तो अर्जेंसी है, बाकी जी कारण उतने अर्जेंट नहीं होते हैं और वो ठीक भी जल्दी हो ओके जाते हैं। ठीक है। तो ये जरूर करें कि डॉक्टर से सलाह लें। और अगर फ्लोटर के साथ बिजली चमकने जैसा, ऐसे जैसे आकाश में बिजली चमकती है, हाँ ये फील होता है तो समझ लीजिए अर्जेंसी है, फिर ये मोस्ट प्रोबेबली रेटिना ही इन्वॉल्व है। फ्लोटर ओके भी है और बिजली चमक रही है बार बार, ऐसा आपको ऐसे लग रहा है किसी ने फ्लैश लाइट चला दी है, या आकाश में बिजली चमकती है, ये बिजली कहाँ चमक रही है। तो ऐसे में तो फिर आपको अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना है, और शुरू में ये ओके आसान होता है, जैसे जैसे घंटे दिन बीतते जाते हैं तकलीफ बढ़ जाती है। सो व्यूवर्स, सर इज द ओनर ऑफ सूर्या आई सेंटर दिल्ली। आप अगर जरूरत पड़ती है तो आप सर को वहां पर भी कंसल्ट कर सकते हैं फिजिकली, अगर आपको जरूरत पड़ती है। अभी यहाँ पर तो सर आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। स्टिल आप चाहेंगे किसी को भी जरूरत है, प्लीज व्हाट्सएप अस, हमारे पेज पर हमारा नंबर अवेलेबल है व्हाट्सएप का, आप अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप सर की डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। यस श्योर। और अगर कोई आप में से आए हमारे यहाँ तो जी अमेज बिल्कुल। फाउंडेशन का रेफरेंस भी जरूर दीजिए। हाँ सो प्लीज नोट इट डाउन, अमेज फाउंडेशन का रेफरेंस दे दीजिएगा आप सर को। आपको वैसे भी सर बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे, बट स्टिल यस यस ठीक है। जी, ठीक है सर ना। एक चीज और, जैसे अभी आजकल ड्यू टू कोरोना, थैंक गॉड कि अभी पॉल्यूशन लेवल फिर भी कम है, बट कम है यूजुअली दिल्ली एंड अदर मेट्रो सिटीज में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, उससे जो आई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे हम कम कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं? एक तो सबसे पहली चीज है कि जब भी बाहर जाएं, अगर पैदल भी जा रहे हैं तो अगर आपको चश्मा नहीं भी लगा हुआ तो जी ग्लासेस यूज करें, कलर्ड ग्लासेस, धूप से बचें ओके और आंखों पे एक लेयर प्रोटेक्शन की जरूर दें। ओके और सबसे ज्यादा पोल्यूशन से अफेक्ट जो आंखें होती हैं वो टू व्हीलर ड्राइव करने वाले लोगों की होती हैं, क्योंकि ओके हाँ, अगर टू व्हील ड्राइव क्योंकि करते हवा वक्त, बहुत ज्यादा जी लगती हाँ, है। आपने अगर कुछ ग्लासेस नहीं पहने हुए हैं तो वो जो तेज स्पीड पे आके हवा लगती है तो जी उसमें जो धूल के कण होते हैं वो हमारी आंखों में चिपक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ओके तेजी से आगे, और वो ज्यादा समय तक हमारी आंख को परेशान करते हैं। तो जी टू व्हीलर ड्राइव करते वक्त अपने ग्लासेस या गॉगल्स या हेलमेट बंद ये जरूर पहने। सबसे ज्यादा आईज टू व्हीलर ड्राइव करने वाले लोगों में हम देखते हैं कि पोल्यूशन की वजह से अफेक्ट हो रही है। ओके सो और सर जब भी सेम थिंग इज फॉर लाइक धूप वगैरह से भी जो नुकसान धूप होता से है भी यूवी जरूर से। बचाएं, जी धूप में अल्ट्रावायलेट लाइट होती है जो जी हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है, और ओके जिन लोगों का आउटडोर लाइफ ज्यादा रहती है उन्हीं लोगों को कैटरेक्ट ज्यादा और जल्दी होने के चांस होते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट एक रीजन है जिसकी वजह से हमारी आंख का लेंस जो है वो ओपेक जल्दी हो जाता है, ओके तो और सर इसलिए अभी धूप से आजकल तो भी वो बचें। एंटी ग्लेयर ग्लासेस बहुत आने लग गए हैं, जो बहुत ज्यादा हाँ, जिनका स्क्रीन टाइम है उनके अब लिए। आजकल एंटी ग्लेयर ग्लासेस एक नॉर्म हो गया है कि अगर किसी को भी अपने ग्लासेस बनवाने हैं तो जी एंटी ग्लेयर में ही बनने चाहिए, ओके तो वो तो एक बेसिक फीचर ग्लासेस में होना ही चाहिए, क्योंकि तो हम ओके सभी तो लोग आजकल स्क्रीन्स यूज कर सर रहे हैं, इज इट लाइक अवेलेबल फॉर जो नंबर वाले चश्मे होते हैं नंबर ग्लास वाले में भी वाले, बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी ये हो बिल्कुल सकता सभी है? सभी नंबर्स में एंटी ग्लेयर कोटिंग जो है वो होता है। और आप जो भी लोग ग्लासेस बनवाते हैं वो अपने ग्लासेस को फोटोक्रोमेटिक भी बनवा सकते हैं, वही ओके जैसे हमने भी नंबर ग्लासेस पहने हैं, मैं जी उठ के अगर धूप में जाऊंगा तो यही ग्लासेस मेरे गॉगल्स बन जाएंगे, ओके तो मुझे फोटोक्रोमिक अलग होते से हैं तो नंबर्ड गॉगल्स रखने की जरूरत नहीं है, अपने ही ग्लासेस, नंबर्ड ग्लासेस ही
हाँ, क्योंकि जिनको सब पावर वाला लगा होता है ग्लास, वो अगर वो नॉर्मल आमतौर गॉगल्स पे व्हाइट लगाते हैं तो ग्लासेस उनको ही प्रॉब्लम बनवाते भी हैं, होती है। हाँ व्हाइट ग्लासेस ही बनवाते हैं, और फिर कौन इसे उतार के अलग से अपने नंबर वाला वो यूज कर। तो जब भी नंबर, जिनके नंबर हैं ग्लासेस के, वो ग्लासेस बनवाएं, तो ऑप्टिशियन से कहें कि मुझे एंटी ग्लेयर कोटिंग वाले ग्लासेस चाहिए और जी साथ में मुझे फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस चाहिए, ओके तो वही आपका चश्मा है और वही आपके गॉगल्स बन जाएंगे आउटडोर जाने पे। और जी वैसे भी अच्छा रहता है आउटडोर जाने अच्छा पे, है ना। आपके हाँ, ग्लासेस गॉगल्स बन जाए तो आपका गॉगल्स और के हाँ, पैसे गॉगल्स भी वाला वो बचेंगे भी और शौक भी आप पूरा हो जाता है जी और यूवी लाइट से बच भी जाते हैं। तो यूवी प्रोटेक्शन होना चाहिए ग्लासेस में साथ में, ओके तो जो अच्छे फोटोक्रोमेटिक हाँ होते हैं उनमें यूवी प्रोटेक्शन होता है। तो ओके ये तीन फीचर होने चाहिए, तो यूवी एंटी ग्लेयर प्रोटेक्शन, होना चाहिए, यूवी एंटी ग्लेयर प्रोटेक्शन होना और चाहिए फोटोक्रोमेटिक, और फोटोक्रोमेटिक फोटोक्रोमेटिक होना कलर चाहिए। चेंज करने ओके वाला होना ठीक चाहिए। है। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके ग्लासेस में तीन चीजें होनी चाहिए, एंटी ग्लेयर होना चाहिए एंड यूवी प्रोटेक्शन होना चाहिए और फोटोक्रोमेटिक होना फोटोक्रोमेटिक, चाहिए। तो अपने ऑप्टिशन से ये तो जरूर कहें, नंबर ग्लासेस में भी, और अगर बिना ओके नंबर वाले लें तो भी तो भी आप जीरो ग्लासेस नंबर में के भी मतलब ये ग्लासेस ले तीनों चीजें सकते होनी हैं। ही चाहिए। जी अगर आपका चश्मे का नंबर नहीं है और आपको कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होता है, तो आप जीरो जी नंबर के एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज करें कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए, तो उससे जी फिर इसका रेडिएशन का इफेक्ट कम आएगा। सर, और कोई टिप्स या कुछ और ऐसा जो हमें फॉलो करना चाहिए, स्पेसिफिकली आजकल छोटे बच्चों को बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आजकल के हिसाब से तो यही है कि छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें। आजकल हाँ, हम सो वी देखते शुड नॉट हैं, यूज मोबाइल एज अ बेबी सिटर। हाँ, अब हमें परेशान नहीं करेगा, 1-2 साल के बच्चे के हाथ में अगर हम मोबाइल दे देंगे और वो खिलौने की तरह, जितना छोटा बच्चा होगा उतना ज्यादा बुरा असर उसकी आंखों पे पड़ेगा। तो जैसे बच्चों में बोलते हैं ना, कच्ची आंख होती है, उनका कोई टियर मैकेनिज्म भी पूरा नहीं डेवलप हुआ होता। सो छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें, उन्हें कंप्यूटर के आगे ना बिठाएं, और टीवी थोड़ा बहुत वो 8-10 फुट की दूरी से थोड़ा बहुत बीच बीच में देख लें तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन मोबाइल और ये देखने पे बच्चे को, प्लस हर बच्चे का पहला आई चेकअप बर्थ पे, और फिर पहले साल में 6 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद, और जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो उसके बाद हर साल चेकअप होना बहुत जरूरी है। ओके आप सो दिस खुद ही इज सोचें वेरी कि अगर इम्पोर्टेंट किसी बच्चे पॉइंट। की, हाँ, किसी बच्चे की अगर जी आंखें कमजोर हैं तो वो जी कैसे बताएगा? अगर उसे धुंधला दिख भी रहा है, बच्चा तो बता नहीं सकता 1 साल का, दो बिल्कुल सर, साल का। बिल्कुल 1 साल तक तो नहीं बता हाँ, पाएंगे लोग उनका बच्चे। चेकअप करते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो हम बच्चे को जी बिना पूछे, बिना उसका कुछ किए, उसको नंबर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और ऐसा बहुत ओके होता है जी बहुत बार, कि बच्चा जब बड़ा सो होता है, व्यूअर्स, दिस स्कूल इज जाता वेरी है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि बच्चे का एट द टाइम ऑफ बर्थ 6 मंथ्स की एज पर और 1 ईयर की एज पर आई चेकअप बहुत जरूरी और है। फिर हर साल, उसके जी फिर बाद हर साल साल में एक बार, ईयरली जरूरी है। जी क्योंकि ओके अगर सर बच्चे को आंख कमजोर है, जो करीब जी करीब 15 से 20% बच्चे, सो हर 100 में से 15 से 20% बच्चों में चश्मे का नंबर होता है, हर ओके 6-7 में बच्चे में, और वो अगर पता ओके नहीं चला, जैसे जी हम बड़ों में अगर चश्मे का नंबर है और हम नहीं पहनते हैं तो हम तो जब भी नंबर चश्मा बढ़ता पहनेंगे रहता तो है। हमें ठीक दिख हाँ जाएगा, लेकिन हाँ अगर बच्चे को पैदाइश से नंबर है और उसने पहले 2-3 साल चश्मा नहीं पहना तो जी उसकी आंख बैठ जाती है, इसका मतलब अब ओके चश्मा लगाने पे भी उसे पूरा नहीं दिखाई देगा। मतलब और यदि ये वो वाली चीज, चश्मा भी हेल्प नहीं कर पाएगा फिर और फिर अगर आगे। ये वाली चीज 5, 6 या 7 साल की उम्र तक डिटेक्ट हो जाती है, तो जी हम ट्रीटमेंट से फिर दिखा पाते हैं, लेकिन ओके अगर बच्चा और लेट आया तो फिर वो पूरे लाइफ के लिए उसकी रोशनी कम रहती है, ओके तो हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बता नहीं सकते, तो हम चेकअप जी करके ही पता लगा सकते। ठीक है। ये है, और सर, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, अक्सर होता है कि जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं भेंगापन हो जाता है या एक साइड की आई, वो क्या है एग्जैक्टली, उसके क्या रीजंस होते हैं? भेंगापन भी ज्यादातर उन बच्चों में होता है जिनमें पैदाइश से चश्मे का नंबर होता है और उनका नंबर डिटेक्ट नहीं होता, और वो अपनी आंख पे जोर लगा के क्लियर देखने की नेचुरल कोशिश करते रहते हैं और आंख में भेंगा, ये ज्यादातर उन बच्चों में होता है जिनमें पैदाइश से प्लस का नंबर होता है, उनमें एक खास तरह का तिरछापन हो जाता है। वैसे फिर पैरालिटिक स्क्विंट होते हैं, वो कम बच्चों में होते हैं, यदि बर्थ के टाइम पे कोई इंजरी हुई या बाद में बच्चे की आंख डेवलप ठीक से नहीं हुई तो
अच्छापन हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन कारण बच्चों में आंख का कमजोर होना जो है, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ज्यादातर बच्चे तो इसमें जब उनको चश्मा दे दिया जाता है और उनकी आंख की रोशनी कुछ महीनों में एम्ब्लायोपिया के ट्रीटमेंट हम कर देते हैं कि उसको चश्मे से पूरा दिख जाए जी। तो उससे उनका तिरछापन भी ठीक हो जाता है, उनको तिरछापन के लिए ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज अगर चश्मे के नंबर से नहीं ठीक होता है तो ये ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, तो फिर उसके बाद लोग ऑपरेट करके उसे सीधा कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चों में अगर ठीक टाइम पे डायग्नोज हो जाए, बच्चे आ जाए, तो सिर्फ चश्मा पहना के और सिर्फ मेडिसिन और चश्मे की ट्रीटमेंट से ज्यादातर बच्चों का तिरछापन ठीक किया जा सकता हो जाता है। ओके। और सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आजकल बहुत ज्यादा लोगों में चश्मा हटाने के लिए जो सर्जरी करवाते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो क्या हर कोई करवा सकता है और वो कितना सेफ है, उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? चश्मा हटाने वाले प्रोसीजर्स हम लोग लास्ट 30 ईयर्स से कर रहे हैं, राइट फ्रॉम 1990। पहले इसमें एक प्रोसीजर आता था रेडियल केराटोटमी करके, रशियन टेक्निक थी जिसमें हम डायमंड नाइफ से कट लगा के चश्मे के नंबर ठीक करते थे। फिर 97 में लेजर्स आ गई, तो अब लेजर्स से किया जाता है। एक्साइमर लेजर वो मशीन है जिससे ये नंबर ठीक किए जाते हैं और प्रोसीजर को लेसिक कहते हैं। हाँ, तो अभी तो शायद ये बहुत कम टाइम लेता है प्रोसीजर भी। हाँ, एक एक आंख में हमें कुछ सेकंड ही लगते हैं एक्चुअल प्रोसीजर में, और तो कुछ टाइम ज्यादा नहीं है। पर एक तो ये प्रोसीजर 18 साल से छोटों में नहीं किए जाते हैं, तो 18 साल से छोटे बच्चे तो नहीं सोचें कि हम भी अपना लेजर करवा लें, वो नहीं किया जाएगा। 18 साल तक नंबर में चेंजेस आते हैं, तो ये प्रोसीजर तभी किया जाता है जब किसी व्यक्ति का नंबर पिछले 6 महीने से 1 साल तक स्टेबल रहे, क्योंकि आज जो ठीक कर देंगे, जो होगा उसे ही ठीक करेंगे, नए आने वाला नंबर तो फिर आ जाएगा जी। जब किसी का नंबर स्टेबल हो, उम्र 18 साल से ज्यादा हो, ओके। फिर लेजर से नंबर जो है आमतौर पे 1 से 6 तक के नंबर ठीक होते हैं। अच्छा, अगर 6+ है तो वो भी -1 to -6। ओके, -1 to -6 के नंबर में एक्यूरेसी ज्यादा आती है। ओके, पर ज्यादातर लोगों का माइनस में नंबर होता है तो उनके लिए यूजफुल है। प्लस वाला शायद 40+ के बाद होता है प्रॉब्लम। नहीं, वो तो अलग होता है, जो उसको तो प्रेस बायोपिया कहते हैं। यंग लोगों में भी प्लस का नंबर होता है। अच्छा, लेकिन वो नंबर लेजर से उतने एक्यूरेटली करेक्ट नहीं होते जितने माइनस होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो व्यूअर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ध्यान रखना है कि एज आपकी 18 ईयर से अबव होनी चाहिए, आपका जो नंबर है वो स्टेबल होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा हो, तभी आप लेजिक के लिए जा सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन आया है कि डाइट का कितना रोल है किड्स में, क्योंकि मेरा बेटा 6 साल का है, गौरी ठाकुर जी पूछ रही हैं, तो आइज स्ट्रांग रहने के लिए क्या करना चाहिए? और मैं थोड़ा सा एक दो लाइन पिछले टॉपिक में ऐड कर देता हूँ। लोग सोचेंगे जिनका नंबर 6 से ज्यादा है वो क्या करें, तो 6 से लेके और फिर जितने भी बड़े आमतौर पे 20 तक नंबर होते हैं उनके लिए भी टेक्निक है, लेकिन वो लेजर से नहीं, वो ऑपरेशन से ठीक होते हैं, ICL करके। अच्छा, मतलब वो भी क्योरेबल है, वो भी क्योरेबल। अगर आपका नंबर 18 है, 20 है, 12 है, मोटा चश्मा लगा हुआ है, तो वो भी ठीक हो सकता है, पर लेजर से नहीं। लेजर की लिमिट 6 पे आती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? ICL, इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस, वो डाला जाता है, ICL। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी नंबर ठीक किया जा सकता है, सिर्फ टेक्निक का फर्क होगा। तो एवरीथिंग इज क्योरेबल अगर आपको किसी भी नंबर का चश्मा लगा है, बस आपकी एज जो है वो 18 ईयर से अबव होनी चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। 40 साल से बड़े लोग हमारे पास आते हैं तो हम बहुत पता करते हैं कि अब क्यों उनको करवाना, क्योंकि 40 साल से बड़े होने पे हमारा दूर और पास का नंबर अलग अलग हो जाता है। तो लेजर से फिर हम उनका सिर्फ दूर का नंबर ठीक कर सकते हैं, पास का चश्मा उनको फिर भी लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 2 नंबर है उनका, एक दूर का नंबर है, एक पास का, तो उसमें से दूर का नंबर ठीक किया। तो सर, ऐसा भी होता है क्या, जिन्होंने ये स्पेक्स रिमूवल के लिए सर्जरी करवाई है उनको आगे जब एज बढ़ती है, 40+ होते हैं या कुछ, तो उनको भी चश्मों की जरूरत पड़ती है? अगर आपने 18 साल की उम्र में अपना चश्मा हटवा लिया तो 40 साल की उम्र में जाके तो आपको नजदीक का चश्मा तो फिर लगेगा ही लगेगा, वो तो नेचर में एजिंग प्रोसेस से आना ही आना है। फर्क ये होगा कि आपको सिर्फ नजदीक का लगेगा, बाकी लोगों को 2-2 चश्मे होते हैं। और वैसे जो लोग अपना नंबर ठीक कराते भी हैं, उनमें से भी कुछ लोगों का कभी कभी कुछ नंबर वापस आ सकता है।
थोड़ा बहुत नंबर तो साल दो साल दीक्षित जी ने यही पूछा है सर कि निकट व दूर की निगाह कमजोर है, आयु इनकी 42 इयर्स की एज है, क्या लेजिक लेजर से सही होगा? देखिए आई होप तरमीन ज्यादातर जी लोगों आपको को, आंसर दिया है अभी सर ने इस चीज का। ज्यादातर लोगों को 40 से बड़े लोगों को आमतौर पे हम पूछते हैं कि क्या उनके लिए चश्मा ना पहनने का कॉस्मेटिक इफेक्ट मानसिक तौर पे बहुत ही जरूरी है जी या किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी की वजह से बहुत जरूरी है तो ही वो करवाएं। ओके अदरवाइज हम लोग ये मानते हैं कि ये प्रोसीजर जो है 99% लोगों को तो सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज से कराना चाहिए, यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ मैरिजेबल एज एंड यू नो ताकि कोई पर्पज हो। अदरवाइज आप देख सकते हैं मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं, मेरे कुलीग मेरा ऑपरेशन फ्री में कर देंगे, मैं इसे फ्री में नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज माई एज इज नॉट 18 एंड 20 दोस्त। तो अगर हमारे उस जमाने में होता लेजर तो हम अपने टाइम में करवाते, बट 40 प्लस वाले लोगों को आमतौर पे नहीं करवाना चाहिए। उस जमाने की फिर और आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं और फिर चश्मा फिर नजदीक के लिए तो फिर भी लगाना पड़ेगा जी, तो धर्मेंद्र जी के किसी को क्वेश्चन कुछ का आंसर बहुत मिल ही चुका है सर। हाँ कोई ये, अब हम ये सोचे कि हम उस जमाने में नहीं थे, लेजर पे तो दूर का नंबर तो ठीक करवा लेते हैं, तो करवा सकते हैं लेकिन इतना रिकमेंडेड नहीं है। ओके सर, वो डाइट वाला जो क्वेश्चन था हाँ आप उसका भी आंसर दे दीजिए। हाँ डाइट के बारे में आमतौर पे लोग बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, खासतौर पे आंख के बारे में, या जी बच्चों को बहुत बार बहुत सारी गाजरें खिलाना शुरू हो जाते हैं। ये ठीक है कि गाजर में विटामिन ए होता है और विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा होता है, गाजर खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गाजरें खिलाना भी ठीक नहीं है। विटामिन ए की ज्यादा मात्रा भी खराब होती है खासतौर पर बच्चों में, तो विटामिनों से ये हो जाता है, तो उसमें वो भी खराब है। तो सिर्फ आप प्लीज ये देखें, व्यूवर्स, आपको ऐसे नहीं खिलाना है हाँ कि कि आप रोज रोज आप उन्हें गाजर खिला रहे हैं तो विटामिन ए की अधिकता भी हाँ ठीक नहीं, लिवर पे भी उसका जैसे बुरा असर पड़ता कमी है। से हमें इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ भी खाएंगे तो उनके भी बच्चे को साइड आप इफेक्ट्स हो बैलेंस सकती डाइट है। दें, रोटी तो बैलेंस सब्जी डाइट इज दाल वेरी इनफ। दूध दही उसमें सब विटामिन आ जाएंगे। ऐसे अगर हम एक एक विटामिन के लिए अलग अलग चीजें ढूंढने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर दूसरे विटामिन पीछे रह जाएंगे। हाँ तो तो रोज का बैलेंस जो डाइट घर इज का खाना है, इम्पोर्टेंट हाँ बच्चे को जी। ये सिखाएं कि उसे दाल भी खानी है, उसे सब्जी भी खानी है, सलाद भी खाना है, दूध दही की चीजें में से कोई एक चीज तो बेसिकली आई खानी एम द न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, तो मैं है। भी आप लोगों को यही तो फिर रिकमेंड बेहतर करती हूँ सलाद दे सकते हैं कि कि हाँ बैलेंस डाइट इज द की, बहुत जरूरी है। और जो बाकी सर ने बताया है स्क्रीन टाइम यस वो कम करना ही है, बाकी तो सर बैठे हैं। हाँ, और इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता ना करें, पेरेंट्स आमतौर पर थोड़ा ज्यादा चिंता करते हैं जितनी करनी चाहिए, और ढूंढते हैं कुछ एक खास चीज जो उनके बच्चे को कर दे। खास कुछ नहीं, घर में जो रोज खाना बनता है, खास बात यह है कि हम अपने बच्चों को वो खाना सिखाएं, कि बच्चे आधी चीजें तो खाते ही नहीं है, तो उनको शुरू से ही तो फूड एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्टेबिलिटी वो सब इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर खाएं ये जो है। घर का खाना जितना ज्यादा बार हो सके, बाहर का खाना कम खाया जाए, कभी कभी वीकेंड्स पे या कुछ ऐसे, तो ये तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। इट वाज वेरी थैंक यू नाइस सो टू मच हैव मैडम। यू। और हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे हम डेफिनेटली आप तक पहुंचाएंगे। और व्यूवर्स आप हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए अपने क्वेश्चंस, आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। और जरूर, कुछ भी इनके जी क्वेश्चंस होंगे तो हम उनका सर, जरूर आंसर करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच टू यू एंड टू थैंक यू सो अमेज़न मच नेशन सर, फॉर गिविंग थैंक मी यू। दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद सो मेनी तो इट पीपल। वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर मी ऑल्सो, बहुत सारी चीजें थी, मुझे भी नहीं पता था ड्राई आई का एक सिम्टम है कि आंखों में आंसू आते हाँ हैं। इनफैक्ट किसी भी बॉडी पार्ट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन इस तरह की होनी ही चाहिए सभी जी लोगों को, बिल्कुल ताकि सर, वो तो ये बहुत जनरल ख्याल रख इंफॉर्मेटिव सके। सेशन था मेरे लिए भी और डेफिनेटली हमारे जो व्यूवर्स थे जो हमारे साथ जुड़े थे उनके लिए भी। और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए हैं, स्टिल आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमें आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, वी विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक एंड यू। व्यूअर्स प्लीज बी सेफ, स्टे एट होम, जब तक जरूरत नहीं है आप ना निकलें। एंड थैंक यू थैंक सो यू मच सर, एवरीबॉडी, बाय ओके बाय बाय। बाय।